आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसटीईटी 2019 पेपर 2 में क्या होने वाला है फाइनल कट ऑफ और कितने नंबर वालों का, कितने स्कोर वालों का होगा फाइनल मेरिट लिस्ट, तो जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें, पिछला अगला छोड़ें और इस वीडियो को देखें। जी हाँ, पेपर 2 में सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना पोस्ट है और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इंग्लिश में 2125 पोस्ट है और जिसमें कैंडिडेट कितने अपीयर हुए तो 6370 के आसपास इतने विद्यार्थी ने परीक्षा दी है इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में पेपर 2 में 2104 पोस्ट है और 21000 के आसपास विद्यार्थी ने यहाँ परीक्षा दिया है, अपीयर हुए हैं। फिजिक्स में 2384 कुल पोस्ट है और 16687 के आसपास विद्यार्थी अपीयर हुए हैं। ये जो लिस्ट है ये 28 जनवरी को हुई परीक्षा और 26 फरवरी को हुई परीक्षा दोनों को मिलाकर ये लिस्ट है कि टोटल कैंडिडेट कितने, किन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना एग्ज़ाम दिया है। केमिस्ट्री में 2221 सीट है और 13325 के आसपास विद्यार्थी अपीयर हुए हैं। जूलॉजी में 723 सीट है और 2892 विद्यार्थी अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। बॉटनी में 835 पोस्ट है और 2505 के आसपास अपीयर हुए हैं विद्यार्थी। कंप्यूटर साइंस में 1673 सीट है, पोस्ट है, जिसमें कि 8375 के आसपास विद्यार्थी अपीयर हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल पोस्ट पेपर 2 में कितना था तो 12065 और टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हुए तो 70000 से अभव। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रत्येक एक सीट के लिए हर एक सब्जेक्ट में कम से कम तो 5 प्रतिद्वंद्वी हैं, तो 5 में से किन्हीं एक का होगा सीट, तो फाइट ऐसा ही है। चलिए अब बात करते हैं फाइनल मेरिट वाली कट ऑफ क्या होगी हर एक सब्जेक्ट की, एक एक करके देखते हैं। ये पहला पेपर है पेपर 2 में केमिस्ट्री का। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप यूआर हैं, अगर यूआर कोटा से हैं तो आप 82 to 85 के बीच में अगर स्कोर आपने किया है तो आप यहाँ सेफ हैं, आपका मेरिट हो जाएगा। अगर इसे बढ़ता भी है तो 5 नंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है इस डेटा में जो यहाँ मैंने लिया है, हमारी टीम के द्वारा दिया गया है। तो फीमेल कैंडिडेट यूआर में 77 to 80 सेफ स्कोर है मेरिट के लिए इतना। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 77 to 81, फीमेल 73 to 77, बीसी मेल 77 to 81, बीसी फीमेल 73 to 77, ईबीसी मेल 75 to 78, ईबीसी फीमेल 72 to 75, एससी मेल 72 to 75, एससी फीमेल 71 to 73, एसटी मेल 72 to 75, एसटी फीमेल 68 to 72, और पीएच मेल में 74+ और फीमेल में 70+। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका स्कोर केमिस्ट्री के अगर आप हैं तो कितना है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, अपने सब्जेक्ट और अपने कोटी और अपने मेल या फीमेल आप क्या हैं कैंडिडेट, तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए बात करते हैं इंग्लिश पेपर 2 में। अगर आप अनरिजर्व्ड कोटा में हैं तो मेल हैं तो 93 to 99 अगर आपने स्कोर किया है तो आप 100% आपका मेरिट होगा। फीमेल के लिए इसी वर्ग में 88 to 93, ईडब्ल्यूएस मेल 87 to 93, ईडब्ल्यूएस फीमेल 83 to 87, बीसी मेल 87 to 93, बीसी फीमेल 83 to 87, ईबीसी मेल 82 to 87, ईबीसी फीमेल 77 to 82, एससी मेल 77 to 82, एससी फीमेल 74 to 77, एसटी मेल 75 to 80, एसटी फीमेल
72-74, पीएच मेल 76 प्लस, पीएच फीमेल 72 प्लस। तो अगर आपका स्कोर इस बीच में आ रहा है तो आपका मेरिट अवश्य होगा। आप हमें ज़रूर अपना स्कोर हमें कमेंट करें। कंप्यूटर, जी हाँ, कंप्यूटर के कैंडिडेट ध्यान दें, अगर आप अनरिजर्व्ड कोटा में हैं मेल, तो आपको अगर स्कोर 97-105 आ रहा है तो आपका मेरिट अवश्य हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर अगर बढ़ भी सकता है इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। फीमेल 92-97, ईडब्ल्यूएस मेल 93-97, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85-90, बीसी मेल 92-97, बीसी फीमेल 85-90, ईबीसी मेल 88-93, ईबीसी फीमेल 82-85, एससी मेल 82-85, एससी फीमेल 75-80, एसटी मेल 75-80, एसटी फीमेल 69-73, पीएच मेल 75 प्लस और पीएच फीमेल 70 प्लस। अगर आपका इस बीच में स्कोर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। जूलॉजी पेपर 2 में यूआर यानी अनरिजर्व्ड कोटा है, आप मेल हैं तो 96-101 आपका स्कोर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर और इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ही मेघावी थे, जैसा कि बहुत सारा कमेंट आया। तो फीमेल में 92-95 अगर है तो आपका श्योर आपका मेरिट होगा। ईडब्ल्यूएस मेल 91-96, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85-90, बीसी मेल 91-96, बीसी फीमेल 85-90, ईबीसी मेल 86-91, ईबीसी फीमेल 80-85, एससी मेल 80-85, एससी फीमेल 75-80, एसटी मेल 75-80, एसटी फीमेल 72-74, पीएच मेल 77 प्लस और पीएच फीमेल 72 प्लस। अगर आपका जूलॉजी पेपर है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें अपना स्कोर, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी में पेपर 2 में अगर आप अनरिजर्व्ड मेल हैं तो 94-98 अगर आपका स्कोर है तो आपका अवश्य कट ऑफ होगा, मेरिट होगा। यू आर फीमेल 89-92, ईडब्ल्यूएस मेल 92-94, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85-90, बीसी मेल 92-94, बीसी फीमेल 85-90, ईबीसी मेल 86-90, ईबीसी फीमेल 82-85, एससी मेल 82-85, एससी फीमेल 75-80, एसटी मेल 75-80, एसटी फीमेल 69-73, पीएच मेल 76 प्लस और पीएच फीमेल 72 प्लस। अगर आपका पेपर बॉटनी है तो आप हमें ज़रूर अपना स्कोर विथ कैटेगरी और मेल और फीमेल ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पेपर 2 अगर आप मैथ से हैं तो ध्यान दें, यू आर यानी अनरिजर्व्ड कोटा में मेल का अगर आप 96-101 स्कोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3-5 नंबर इजाफा हो सकता है मेरिट में फाइनली, तो आप सेफ हैं 96-101। यू आर फीमेल 92-95, ईडब्ल्यूएस मेल 92-97, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85-90, बीसी मेल 92-97, बीसी फीमेल 85-90, ईबीसी मेल 85-90, ईबीसी फीमेल 82-84, एससी मेल 79-84, एससी फीमेल 75-78, एसटी मेल 74-78, एसटी फीमेल 69-73, पीएच मेल 76 प्लस और पीएच फीमेल 72 प्लस। तो अगर आपका मैथ पेपर है तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करें आपका कितना स्कोर रहा है पेपर 2 में, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। फिजिक्स पेपर, जी हाँ, ये अंतिम पेपर है, और अगर आपका फिजिक्स है तो अंत तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, और अपना स्कोर देख लें। अगर आपका स्कोर इस के बीच में है तो आप ज़रूर मेरिट आपका होगा। यू आर मेल 93-98, यू आर फीमेल 88-93, EWS मेल 92-94, EWS फीमेल 84-88, BC मेल 90-94, BC फीमेल 84-88, EBC मेल 86-90, EBC फीमेल 80-84, SC मेल 79-84, SC फीमेल 72-77, ST मेल
74-78 एसटी फीमेल, 68-72 पीएच मेल 76 प्लस और पीएच फीमेल 72 प्लस। जी हाँ, अगर आपका पेपर फिजिक्स है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें अपना स्कोर और आप किस कैटेगरी से हैं, मेल और फीमेल भी, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपका मेरिट ज़रूर हो। बेस्ट ऑफ लक आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।